वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणि पद्मे हम ओम साई राम अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि, आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अप द रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने थंबनेल में देख लिया होगा, छोटू सा वीडियो है। और ये छोटा सा वीडियो मैं क्यों लेकर आई हूँ बता देती हूँ, टाइम नहीं मिल पा रहा था एक्चुअली। क्यों नहीं मिल पा रहा था वो भी मैं बताऊंगी जरूर। वो इसलिए क्योंकि जो डोनेशन आया हुआ था आप लोगों ने जो किया था, सो उसी से अब मैं ब्लैंकेट्स ले रही हूँ, लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ। तो उनको मंगवाना, फिर उनकी उनको चेक करती हूँ, एक्चुअली मंगवाती हूँ फिर चेक करती हूँ कि ऐसा तो नहीं कि कोई भी कटा फटा सा कुछ हो, है ना। तो वापस से उनको फिर पैक करना। और फिर हमें ये भी देखना होता है कि हम कहाँ जाएँ, किस एरिया में हमें लोग मिलेंगे जिनको ज़रूरत है उसकी, तो उसके चलते थोड़ा बिजी हूँ। दूसरा ये कि मुझे कुछ लोगों ने ये भी बोला था कि आप जो क्रिस्टल्स हमें बताते हो पहनने के लिए रखने के लिए, आप हमें अमेजन का लिंक देते हो या फ्लिपकार्ट का लिंक देते हो, आप क्यों नहीं दे देते हमें। हमें भी भरोसा रहता है कि आपके पास से जो क्रिस्टल्स आएंगे, जो ब्रेसलेट्स आएंगे, वो एनर्जाइज्ड होंगे और हमारे लिए आसान हो जाएगा आपसे कनेक्ट होना और ये जानना कि कौन सा क्रिस्टल हमें रखना चाहिए, कौन सा ब्रेसलेट हमें पहनना चाहिए, फिर हम वही ले लेंगे। एंड फिर मुझे ये लगा, शुरुआत में तो मैं नहीं सोच रही थी, लेकिन फिर मुझे लगा कि ठीक है कर लेती हूँ, क्योंकि हाँ आसान रहता है, मेरे लिए भी रहेगा। क्योंकि फिर मुझे भी देखना पड़ता है कि जब मुझसे कोई लिंक मांगता है तो मुझे भी देखना पड़ता है कि कौन सी साइट में कहाँ, कौन सी साइट आपको बताऊँ जहाँ से आपको ओरिजिनल क्रिस्टल्स मिलेंगे, एनर्जाइज्ड मिलेंगे। और मुझे भी समटाइम्स नहीं होता भरोसा कि पता नहीं लिखा है ना जायज़ हैं भी या फिर नहीं है। मैं शक नहीं कर रही किसी पर भी, बट जैसे आप लोगों को फील होता है वैसे मुझे भी होता है, मैं भी तो इंसान हूँ। तो मुझे लगा कि ठीक है मैं ये करती हूँ। तो ये जो डोनेशन का जो हुआ है ना काम, ये भी मुझे किसी ने बोला ही था, मैंने एक्चुअली किसी से पूछा था, किसी से नहीं कम्युनिटी में सभी से पूछा था कि आप लोग मुझे बताइए कि कोई एनजीओ है या कुछ भी जहाँ पर मैं हेल्प कर सकती हूँ लोगों की। तो मुझे हमारे फैमिली मेम्बर्स ने बोला था कि आप ही क्यों नहीं कर लेते हो कुछ ऐसा काम, तो हमारे लिए ईजी हो जाएगा क्योंकि हमें पता होगा कि हम सही जगह पैसे दे रहे हैं। और फिर मैंने वो काम किया और आज क्रिस्टल्स को लेकर भी वैसा ही है, तो सोचा कि ठीक है करके देखते हैं। अगर लोगों को अच्छा लगा ये तो मैं फिर क्रिस्टल्स एंड ब्रेसलेट्स देना शुरू कर दूंगी, रीडिंग करने के बाद ही दूंगी। हालांकि मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से देना ठीक भी होगा, मैं ये देख लूंगी कि किस एनर्जी में है, किस तरीके से है, वैसा वही ब्रेसलेट उनको दे, उनको अगर पसंद होगा तो दिया करूंगी। ओके okay, तो उसमें थोड़ा बिजी थी लेकिन आगे नहीं हूँ, ये थोड़े दिन चल गए हैं, 2-3 दिन कुछ ज़्यादा ही बिजी रह गई हूँ, बट आगे नहीं है। कल जो वीडियो लेकर आऊँगी वो लंबा सा वीडियो होगा, आई एम श्योर आप लोगों को पसंद आएगा क्योंकि डिटेल रीडिंग होगा। एंड आज ये छोटू से वीडियो से ही आपको जो गाइडेंस दे पाऊंगी वो देने की कोशिश करूंगी। ओके तो यहाँ पर 3 बुद्धा स्टैचूज हैं, आपको इनमें से एक सिलेक्ट करना है और फिर हम देखेंगे कि एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, क्या आपको वो बताना चाहते हैं, और जितना हो सकेगा अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करके बताने वाली हूँ। तो आप यहाँ से एक बुद्धा आइडल सिलेक्ट कर लीजिए एंड फिर देखते हैं क्या कुछ है। ओके ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो जिन्होंने सिलेक्ट किया है ये वाला बुद्धा आइडल, ओके, तो उनके लिए अब हम देखने वाले हैं कि एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, एंजल्स उनको क्या बताना चाहते हैं। यहाँ पर गाइस समटाइम्स यस एंड नो में भी मैसेज आ जाता है, तो अगर आपका कोई सवाल हो तो वो आप पूछ सकते हो, मैं सिर्फ गाइडेंस ही मांग रही हूँ, तो जो गाइडेंस आएगा वो मैं आपको बताऊंगी। अब क्योंकि ये कार्ड निकल कर आया था तो मैं इसको साइड में रख रही हूँ, वापस इसमें नहीं डालूंगी। अगर कोई कार्ड ऐसे निकल कर आता है तो उसको हमेशा हमें साइड में रख लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये रीडिंग करना सीख रहे हैं और ये छोटे छोटे टिप्स हैं जो आपके काम आएंगे। तो ओके 1 2 3 ऑलराइट, पीसफुल रेजोल्यूशन, लाइक जो भी हो रहा हो लाइफ में उसका एक पीसफुल रेजोल्यूशन आपको मिल जाएगा इन द नियर फ्यूचर। ओके ठीक है, तो आने वाले समय में जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। एंड देन देयर इज समथिंग बेटर, यहाँ पर आपके लिए कार्ड ये भी है कि कुछ जितना आप सोच रहे हो ना उससे भी बेहतर कुछ आपको मिलने वाला है, सो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, बट एंड हाँ
इस कार्ड का ये भी मतलब होता है समटाइम्स कि जो आप चाहते हो सकता है वो आपको ना मिले, इस वक्त ना मिले, इन फ्यूचर मिले, या फिर वो मिले ही ना, उससे बेहतर कुछ मिले। यानी कि एक तरीके से चेंजेस हैं, एंडिंग्स हैं, न्यू बिगनिंग्स हैं, तो उसके लिए आपको तैयार रहना है, लुक फॉर अ साइन। तो यहाँ पर आपको ये भी बोला जा रहा है कि आपको साइंस मिलेंगे और आपको वो देखते रहना है। और एक बात मैं आप सभी लोगों को बता दूं, जैसे आप लोगों को एंजल नंबर्स दिखते हैं ना, कभी 333 दिख गया, कभी 444 दिख गया, कभी कभी 555 दिख गया, तो जब ये एंजल नंबर्स आपको दिखते हैं ना, तो आपको ध्यान में रखना है कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, ओके। और अगर आपको 555 दिख रहा है तो उसका मतलब क्या है, किसी और के लिए कुछ और हो सकता है, आपके लिए कुछ और हो सकता है, तो आपको वो नोट डाउन कर लेना है। अब लाइफ में कभी भी आपको 555 दिखा ना, तो आपको समझ जाना है कि हाँ अब ये होने वाला है, क्योंकि ये मेरे साथ हो चुका है, ओके। सो यही आपको एंजल्स एक तरीके से कह रहे हैं। अगर आपको कुछ एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, कोई भी साइंस दिख रहे हैं, तो उनका गूगल पर क्या मतलब है, किताबों में क्या मतलब है, वो अलग बात है। आपके साथ में क्या हुआ है, वो जब एंजल नंबर दिखा है वो आपको नोट डाउन करना है, और वो हमेशा के लिए आपके लिए हो जाएगा। आपका ये एक्सपीरियंस है, ठीक है, कि जब भी ये एंजल नंबर दिखे तो इसका मतलब ये होना है मेरी लाइफ में, ठीक है। तो जो भी एंजल नंबर आपको दिखे उसको ध्यान में रखना है, और कुछ बहुत ही सुंदर है जो आने वाले समय में आपको मिलने वाला है, उसका वेट करना है। कॉम्प्रोमाइज ये सबसे पहले आया था, तो हो सकता है कुछ कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़े आपको, तो कोई बात नहीं है। यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं कि कर भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आगे बहुत सुंदर है सब कुछ, ठीक है। तो ये मैसेजेस थे आपके लिए, आई होप कि आपको पसंद आए हो, मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया हो। अगर ये पसंद आए हैं आपको कार्ड्स, अगर ये मैसेजेस आपको पसंद आए हैं, तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। डायरेक्टर सेलेक्ट किया है उनके लिए, अब मैं कार्ड्स देखने वाली हूँ, लेट्स सी कि क्या मैसेजेस आएंगे। गाइस कोई सवाल हो तो पूछ सकते हो, यहाँ पर येस एंड नो में भी जवाब आ जाता है, ठीक है। तो मैं तो नहीं पूछ रही, आपको कुछ पूछना तो पूछ लेना, मैं सिर्फ गाइडेंस मांग रही हूँ। तो यहाँ से तीन कार्ड मैं आपके लिए निकालूंगी, और फिर आपको एक्सप्लेन करूंगी कि एंजल्स आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। फॉरगिवनेस, आपको बोला गया है फॉरगिव करो। अगर आप अपने पास्ट में अभी तक अटके हुए हैं, किसी तरीके का गिल्ट है, किसी तरीके की नाराजगी है, तो खुद को फॉरगिव करें, दूसरों को फॉरगिव करें, आगे बढ़े, क्योंकि अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको फॉरगिव करना होगा। नंबर वन, नो नीड टू वरी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। कुछ बातें ऐसी हैं, कोई सिचुएशन ऐसी है जिसको लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हैं, तो आपको बोला जा रहा है चिंता मत करो, जरूरत नहीं है। टेक एक्शन, और आपको एक्शन लेने की जरूरत है, यहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है। हाँ ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आप चिंता किए जा रहे हैं लेकिन कोई एक्शन नहीं ले रहे, मतलब हाथ पर हाथ रखकर बैठे हैं कि पता नहीं क्या होगा क्या होगा क्या होगा, एक्शन नहीं ले रहे और सिर्फ चिंता कर रहे हैं। तो आपको बोला गया है कि भाई कुछ करो आगे बढ़कर, सिर्फ चिंता करने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। लिसन टू योर इंट्यूशन, तो आपकी इंट्यूशन आपको बोल रही है, आपको तो मेरी भी जरूरत नहीं थी आप ये वीडियो देख रहे हो, बट आप काफी इंट्यूटिव हो, आपकी इंट्यूशन आपको बोल रही है कि आपको क्या करना चाहिए, सो आप जाओ उस तरफ, ठीक है। आपको ये बोला जा रहा है, यहाँ से आपको जाना है, आगे बढ़ना है ना, आपको सक्सेस मिलेगी, ऑलराइट। बट फॉरगिव करें खुद को और दूसरों को भी, अगर खुद से नाराज हैं, अगर आपसे बार बार गलतियां होती हैं और आप खुद से नाराज हैं कि मेरे से कुछ होता ही नहीं है, मेरे से कुछ होगा ही नहीं, तो आपको बोला गया है कि खुद को फॉरगिव करो, और अगर किसी और से नाराजगी है तो उसको भी फॉरगिव करो, क्योंकि जब तक ये नहीं करोगे आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। सो ये थे मैसेजेस आपके लिए, आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूले, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने ये वाला बुध आइडल सिलेक्ट किया है और जानना चाहते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं मदर यूनिवर्स की तरफ से, तो लेट्स सी, तीन कार्ड्स में यहाँ से निकालूंगी। गाइस अगर कोई सवाल हो, यस एंड नो में जानना हो तो पूछ लो, क्योंकि यहाँ पर यस एंड नो में भी कार्ड्स निकलते हैं, तो मैं तो नहीं पूछ रही लेकिन आपको अगर कुछ जानना हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। तीन कार्ड्स ही निकालूंगी मैं, और जो भी होगा मैं आपको एक्सप्लेन यहाँ पर अच्छे से कर देने वाली हूँ। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, तो कुछ करने जा रहे हो तो पहले अच्छे से जानकारी ले लो, ठीक है, एकदम से मत कर देना जल्दबाजी में। पहला यहाँ पर लो, देखो, कम्युनिकेट क्लियरली, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, ओके। तो कुछ भी करने जा रहे हो तो पहले उसके बारे में बातचीत करो, जिसके संबंध में है ये उनसे बात करो, और अगर कुछ ऐसा है कि किसी से संबंधित नहीं है, यूं ही जनरली आपको कुछ जानना है तो और लोगों से बात करो, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन लो, उसके बाद एक्शन लेना। यहाँ पर है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, आने वाले कुछ हफ्तों में किसी तरीके की गुड न्यूज या तो आप सुनोगे, या किसी तरीके की क्लैरिटी मिलेगी, या फिर जब आप पूछताछ करोगे ना, इंफॉर्मेशन इकट्ठी करोगे ना, तो कुछ
हफ्तों में आपको पता चलेगा जो भी आप जानना चाहते हो। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, सी कार्ड जैसे कनेक्टेड है ना, आपके सामने ही मैंने निकाला। पहले यहाँ पर बोला जा रहा है कि किसी की हेल्प ले लो, थोड़ा इन्फॉर्मेशन और निकालो और उसके बाद आगे एक्शन लेना, कुछ भी करना है तो, कोई भी फैसला लेना है तो, ठीक है। यूं ही ब्लाइंडली कुछ नहीं करना है, जल्दबाजी में भी नहीं करना है। मुझे नहीं पता कि आप क्या करने वाले हैं, लेकिन जो भी है ठीक है। तो ये थे आपके मैसेजेस, आई होप कि आपको ये छोटी सी रीडिंग पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।